यो गाइस, सो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम जब मैं आ रहा हूँ कैमरा के आके, दो महीने के बाद, और मैं कहाँ पर हूँ, हॉस्पिटल में। पता नहीं ये व्लॉग कब आएगा कब नहीं आएगा, बट यस, जब ही आएगा तो आपको पता चलेगा कि फिनाले से एक दिन पहले हमारे को डेंगू हो गया था 102 फीवर में। आप लोगों ने इतना प्यार दिया, आपके दिल में मैं विनर बन चुका, तो आई लव यू गाइस। ये तेरी हंसी पर मैं मर ही ना जाऊं, तेरी ही बातों में खोना मैं चाहूं। सो गाइस, गुड मॉर्निंग। दो महीने की मेहनत के बाद आज वो दिन है जिसका हमें दो महीने से इंतजार था। बहुत मेहनत करी आप लोगों ने और अभिषेक ने भी बहुत मेहनत करी, तो आज फिनाले के लिए हमें इनविटेशन आया है और हम जा रहे हैं। उन्होंने बोला कि आप लोग भी हमें ज्वाइन करो, तो हो गए हम रेडी और हमारी सारी तैयारी भी होगी। ये देखो, सबसे बड़ी बात, आज मलन साहब बड़े खुशी खुशी रेडी है। I'm ready. Let's आज move. तो बड़े खुशी खुशी सुबह सुबह बेटे से मिलना दो महीने बाद। चलो चलो चले चले चले। सबसे बड़ी बात पता क्या है, वो बीमार हो गया। बहुत दिनों से उसकी तबीयत खराब थी और ये कह रहे थे फीवर है। ने नोटिस करा होगा तो उसके हाथ पे बैंडेज भी लगी हुई थी। चलते हैं, गाड़ी आ गई हमारी। गाड़ी की वेट करते करते मलन साहब का बुरा हाल हो गया। देखो पसीना इतना, कह रहे दो दो टैची उतारने पड़े मेरे को। और क्या देख हाल इतनी गर्मी उतारने में लग जाता है। मलन साहब को इतनी जल्दी है मुंबई जाने की कि 2 घंटे पहले ही पहुंच गए हम एयरपोर्ट, और अभी फ्लाइट में 2 घंटे बाकी हैं, तो यहाँ बैठ के इंतज़ार करते हैं। जब निश्चय के साथ आई थी मैं तो 1 घंटा था फ्लाइट में, तो निश्चय ने बोला कि आराम से हमें बैठते हैं कैफ़े में, खाते पीते हैं, और उसने मेरे को इतना खाना खिलाया, मतलब हमने इतना खाना खा लिया था कि पूरा दिन हमें भूख नहीं लगी। और आज मलन साहब, अभी भी उतना ही टाइम है लेकिन मलन साहब ना यहाँ आके बैठ गए हैं वेटिंग में। अब आके मेरे को पूछ रहे पानी पीना है। मैंने कहा पानी भी क्यों पीना है, छोड़ो, कह रहे कुछ खाना है। मैंने कहा बताओ, जहाँ खाना मिल रहा था वहाँ तो आपने पूछा नहीं। अरे, जब मेरे को नहीं पता था 37 नंबर कितनी दूर है पास है, अब यहाँ ढूंढ लेते हैं हमें कौन सा भी टाइम। यहाँ पे कुछ नहीं है खाने को, होटल में जाके खाएंगे। बिग बॉस, बिग बॉस, घर में दुश्मन हो तो बाहर जरूरत ही नहीं है। तो अभी अभी हम मुंबई लैंड हुए, और लैंड होते यहाँ पता चला मलन साहब खुद पहली बार आए हैं। इन्होंने बताया ही नहीं कभी। मैं हमेशा कहती थी मुंबई जाना है, और मैं महीने में, अब मेरा दूसरा चक्कर है, और इन्होंने अब मेरे को बताया कि मैं खुद पहली बार मुंबई आया हूँ। तो आप बताओ मुंबई आके कैसा लग रहा है? आधा वर्ल्ड घूम लिया पर मुंबई फर्स्ट टाइम आया हूं। कैसा लग रहा है आपको? अल्टीमेट, बहुत बढ़िया, ऐसे लग रहा है इस्तांबुल के एयरपोर्ट पे। ओ वाओ। तो फाइनली रूम में हम आ गए हैं और बस आधे घंटे का रेस्ट हमें मिला है। हमें अभी आधे घंटे बाद पिकअप करने आने वाले हैं, सेट पे लेके जाएंगे, तो पहले जल्दी से रेडी होते हैं और फिर चलेंगे सेट पे। मलन साहब आते ही क्या देख रहे हो, चाय का जुगाड़। ये 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 ये। तो गाड़ी आ गई है हमें पिकअप करने और जा रहे हम बिग बॉस के सेट पे। बिग बॉस के सेट पे जा रहे हो, कैसा लग रहा है आपको? वैसे ही लग रहा है जैसा लगता है। नथिंग स्पेशल, नो फीलिंग्स, एक्साइटमेंट तो होनी चाहिए। फीलिंग्स फॉर माय सन। गए हम बिग बॉस के सेट पे और वैनिटी में बिठा दिया हमें, क्योंकि बाहर अलाउड नहीं है रिकॉर्ड करना, तो हम वैनिटी में बैठ गए हैं। अभी जब हमारी टर्न आएगी तो फिर हमें बुलाएंगे और जो भी हमारे से फॉर्मेलिटीज़ कोई रिव्यूज लेंगे या कुछ भी, तो वेट कर रहे हैं हम अपनी टर्न की। और मलन साहब को तो आते ही कॉम्प्लीमेंट्स मिल गए कि अभिषेक बिल्कुल इनके जैसा दिखता है। तो मेरा बेटा तो मेरे जैसे ही दिखेगा। हाय, तो प्राउड होता है ना? हाँ, बिल्कुल होता है। तो हम लोग ना बड़े खुश यहाँ बैठे थे कि अब बस कुछ ना कुछ हमारा इंटरव्यू होगा और बस आज रात की बात है, फिर कल फिनाले होगा, फिर अभिषेक आएगा, उससे मिलेंगे। लेकिन अभी अभी उनकी टीम ने हमें रूम में बुलाया और हमारे से एक डिस्कस करा कि अभिषेक की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, उसको डेंगू हो गया है, और आप मतलब डॉक्टर्स चाहते हैं कि इसको एडमिट करवा दिया जाए, लेकिन अभिषेक कह रहा है कि नहीं, एक दिन की बात है तो मुझे बाहर नहीं जाना, मुझे शो में रहना है। तो मतलब बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा है यार, बहुत बुरा लग रहा है मेरे को। हमने बहुत रिक्वेस्ट करी कि एक बार एटलीस्ट हमें मिलवा दो उससे, तो अब हमारी रिक्वेस्ट से वो कह रहे हैं कि ठीक है,
हम लोग मिलवा देते हैं, और उनको एयर भी करना पड़ेगा कि उसके पेरेंट्स आए हैं, उसकी तबीयत ख़राब है, तो इसलिए वो हमें मिलने दे रहे हैं। वैसे ये अलाउड नहीं है, लेकिन उसकी तबीयत ख़राब है इस वजह से। ह्यूमैनिटी भी तो एक चीज़ होती है ना। ये आए हैं हमारे लिए सैंडविच। मलन साहब को चाय मिली है, कॉफ़ी मिली है, सैंडविच दिए हैं उन्होंने खाने के लिए। तो अभिषेक को हमने ना हॉस्पिटल एडमिट करवा दिया है, कोकिला बेन मुंबई का जो हॉस्पिटल है, और जो फॉर्मेलिटीज़ वगैरह करनी थी जिसके लिए हमें इन्होंने जल्दी बुलाया था, उसके लिए तो मलन साहब चले गए हैं और मैं अभिषेक के साथ हूँ, क्योंकि एक ही अटेंडेंट अलाउड है यहाँ पे। और ये मेरा बेड और ये हमारा बीमार बच्चा। भाई पूरे 2 महीने इसने बहुत सहा है और लास्ट डे पे आके ये बीमार हो गया। आज बहुत दर्द हो रहा है, पहले ही हाथ पूरे नीले पड़े हुए। यो गाइस, सो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम जब मैं आ रहा हूँ कैमरा के आके 2 महीने के बाद, और मैं कहाँ पर हूँ, हॉस्पिटल में। तो मुझे पता नहीं ये व्लॉग कब आएगा कब नहीं आएगा, बट यस जब ही आएगा तो आपको पता चलेगा कि फिनाली से एक दिन पहले हमारे को डेंगू हो गया था 102 फीवर में, और फुल बॉडी ख़त्म। कल क्या हो पता नहीं, विनर बने या रनर अप बने या जो भी बने, आप लोगों ने इतना प्यार दिया, आपके दिल में मैं विनर बन चुका हूँ। I love you guys. ये पेशेंट का खाना आ गया है। पेशेंट जी आप खाना खा लीजिए, थोड़ी सी ताकत आ जाएगी। बिल्कुल। और ये बेचारे के फिर से टेस्ट हुए हैं। पिछले 2 दिन में इन्होंने मुझे 11 बोतल ग्लूकोज चढ़ा दिया है बिग बॉस के घर के अंदर, अब यहाँ पर आके फिर से चढ़ेगी। मुझे ऐसा लगता है 10-15 किलो वजन भी मैंने लूज कर लिया यहाँ से। बिल्कुल, मैंने सोचा था मैं बहुत ही अच्छी एक बैंगर वीडियो बनाऊंगा दैट आई एम बैक, बट गाइस आई एम नॉट बैक। From Big Boss house to hospital, that is me. I am not back. I am on bed. I am on bed. कोई बात नहीं, हो जाएगा ठीक, don't worry. The next morning. Big Boss के सेट से हमें ना बार बार कॉल आ रहा है कि आप जल्दी आओ, आपकी हमें ज़रूरत है यहाँ पे। वो लोग कह रहे हैं कि अगर अभिषेक से नहीं उठा जा रहा तो आप उसको रिप्रेजेंट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभिषेक का बहुत मन है कि मैंने 2 महीने जो मैंने अपनी जर्नी तय करी है आज उसका फाइनल है, तो मेरे को वहाँ पे होना ही है, मुझे वहाँ जाना ही जाना है। तो मैं इसीलिए वेट कर रही हूँ कि डॉक्टर आए, डॉक्टर से हम परमिशन ले और फिर हम वहाँ जाएं। दिल्ली से तो हम बहुत खुशी आए थे कि बिग बॉस का फिनाले है, बच्चे से मिलेंगे, सलमान खान से मिलेंगे, इन्जॉय करेंगे, लेकिन यहाँ आके इतना मूड ख़राब हो गया। आज फिनाले वाले दिन देखो 11 बज चुके हैं और वो सोया पड़ा, क्योंकि उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही उठने की। बिग बॉस से हमें बार बार फ़ोन आ रहा है कि आप जल्दी स्टेज पे आओ, हमें आपसे कुछ बाइट्स चाहिए, पेरेंट्स के जो स्टार्टिंग में डांस वांस होगा तो उसके लिए हमें प्रिपरेशन करनी है, तो उसके लिए बार बार कॉल आ रहा है। लेकिन मैं इसको कैसे छोड़ के जाऊँ, मैं हॉस्पिटल में हूँ इसके साथ और मलन साहब होटल में है, तो हम कैसे इसको छोड़ के चले जाएं? फाइनलिस्ट के भी पेरेंट्स यहाँ पर हैं, अभिषेक के पेरेंट्स कहाँ हैं? ये कहाँ है अभिषेक के माता पिता? अरे नमस्कार, कैसे हैं? कैसे हैं? अरे आप सब यूट्यूबर्स हैं, सोशल मीडिया पे आप नहीं हो? मेरा और अभिषेक का रिश्ता है जैसे हम फ्रेंड्स हैं, एक दूसरे से सब बात कर लेते हैं, और वो भी उसको पता है पापा को क्या चाहिए, तो वो जब भी बाहर जाएगा वो मेरे लिए वो चीज लाएगा जो मुझे चाहिए। आई एम प्राउड ऑफ हिम कि वो हर चीज में अच्छा करता है, जिसमें भी जिस चीज को करता है शिद्दत से करता है। प्रेरणा का बेटा जो है अशर, वो उसे बहुत मिस करता है, देखता रहता है। हाय मामू, कैसे हो? मैं बहुत बड़ा हो गया हूँ, आपको बहुत मिस कर रहा हूँ। अभिषेक को मिस कर रहे हो आप? बहुत ज्यादा। चलिए आपको एक न्यूज देता हूँ मैं। आ रहा है, डॉक्टर्स के एडवाइस से वो वापस हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मनीषा एलविश जी, यस सर, कन्फेशन रूम में जाइए और उन्हें सपोर्ट देकर बाहर ले आइए। मान सर तो
फिनाले हो गया और हम आगे हॉस्पिटल, मैं और अभिषेक, क्योंकि डॉक्टर से हमें 2-3 घंटे की परमिशन मिली थी, फिर से इसको एडमिट करवा दिया है और जब तक ये ठीक नहीं होगा और डॉक्टर हमें परमिशन नहीं देगा, क्लीन चिट नहीं देगा, तब तक हम मुंबई में रहेंगे। तो थैंक यू गाइज, आप लोगों ने बहुत प्यार दिया और बहुत मज़ा आया। मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच टू एवरीवन जिन्होंने भी वोट करा। आई नो मैं ट्रॉफी नहीं लेके आ पाया, बट आप लोगों का जो प्यार दिख रहा है मुझे, जो प्यार आप लोग मेरे को दे रहे हो, आई स्वेयर टू गॉड, मुझे लगता नहीं मैं इतना डिजर्व करता हूँ जितना प्यार आप लोग दे रहे हो। थैंक यू सो मच पांडा गैंग, थैंक यू एवरीवन जिसने वोट करा। एंड मैं जस्ट बिग बॉस के सेट से वापसी अभी हॉस्पिटल आया हूँ, बट जो आप लोगों ने मुझे प्यार दिया वही मेरे लिए ट्रॉफी। एंड सून जैसे मैं यहाँ से ठीक होता हूँ, आई मेक श्योर मैं सबको अपना सारी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर सकूँ। इश्क़ चेचना।